हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ह्युंडई क्रेटा का बेस मॉडल। जी हाँ दोस्तों, बेस मॉडल दिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि क्रेटा हमेशा से अपने बेस और अपने टॉप फीचर लोडेड वेरिएंट्स के लिए जानी गई है। तो आज बेस वेरिएंट की बात कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बेस में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं। सबसे पहले शुरू करें फ्रंट से, तो हुड डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है आपको। डिफरेंट लाइन्स दिख रही होंगी इसके ऊपर, व्हाइट कलर में आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ और ये डीजल का बेस वेरिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहता है। इसके बाद टॉप वेरिएंट्स के अंदर कनेक्टेड डीआरएल्स आ चुके हैं और बेस वेरिएंट के अंदर आप देखेंगे तो डार्क क्रोम का यूसेज है। यहाँ पे सैटिन फिनिश में ह्युंडई का लोगो मिलेगा। ग्रिल आपको नॉर्मल ब्लैक मिलेगी। हायर वेरियंट्स के अंदर यहाँ पर भी डार्क क्रोम का यूज़ है और कोई फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगा। नीचे आपको मिलेगी नंबर प्लेट के लिए जगह, एक एयर डैम और स्किड प्लेट आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगती है इस गाड़ी की। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ टो हुक दिया गया है और ये आपके एलईडी डीआरएल्स और ये दिए गए इंडिकेटर्स जो कि सिक्वेंशियल हैं हायर वेरिएंट्स के अंदर, यहाँ पे आपको दिए गए हैं हेलोजन्स में। हेडलैम्प्स की बात करें तो प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स है और हाई बीम के लिए दी गई है हेलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स। कोई फॉग लैम्प्स का प्रोविजन नहीं है क्रेटा के किसी भी और वेरियंट के अंदर। चलिए ये तो बात हो गई फ्रंट की। ग्लास पे लेके चले तो कोई ऐसे फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, नॉर्मल वाइपर्स हैं। और साइड प्रोफाइल अब आपके सामने है तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट से लेकर रियर तक 360 डिग्री ग्लाइडिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको स्टील रिम विद व्हील कवर देखने को मिल रहे हैं। और टायर साइज की अगर बात करें 205/65R16। क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी में फेंडर पे इंडिकेटर्स आ रहे हैं बेस वेरिएंट में, बट बॉडी कलर्ड ओवर वीएम्स दे दिए गए हैं। ए पिलर आपको दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। और रूफ़ की अगर बात करते हैं तो कोई रूफ रेल्स यहाँ पे नहीं है, रिजेस दे दी गई हैं। और पीछे अगर आपको एंटेना दिखाऊं तो नॉर्मल एंटेना, माइक्रो एंटेना जैसे बोलते हैं, वो यहाँ पर दे दिया गया है। ग्लास एरिया आपका ठीक ठाक है और यहाँ पर आपको क्वार्टर ग्लास भी देखने को मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर्ड है और फुल साइड प्रोफाइल इस टाइम आपके सामने है इस गाड़ी की। लेफ्ट साइड में फ्यूल फिलर कैप मिलेगा। और अब आ गए हैं रेयर की तरफ, तो रेयर से भी आप देखेंगे तो क्रेटा पूरी तरह से आपको अपडेटेड दिखेगी। कोई भी पुराने एलिमेंट्स इसमें फ्रंट और रेयर में और इंटीरियर में आपको नहीं दिखेंगे, साइड से फिर भी आपको प्री फेसलिफ्ट क्रेटा की याद ज़रूर आ रही होगी। रेयर में देखते हैं हाई माउंट स्टॉप लैम्प, कोई डिफॉगर कोई वाइपर नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो हेलोजन्स का यूज़ है हायर वेरिएंट्स में, यहाँ भी आपको फुल एलईडी मिलेगा। क्रेटा की बैजिंग कर दी गई है सैटिन फिनिश के अंदर और कोई वेरिएंट बैजिंग यहाँ पर नहीं है। बम्पर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है, पार्किंग सेंसर, और दो ही पार्किंग सेंसर इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा स्किड प्लेट दे दी गई है जो कि ग्रे फिनिश में है, टो हुक है और सेंटर में मिलता है आपको इसका रिवर्स लैम्प। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं एक्सटीरियर में। बाकी एक बार बात कर लेते हैं इस गाड़ी के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, क्योंकि वो भी आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, वो आपको बता दिया कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, एक स्टेयरिंग में, एक फ्रंट डैशबोर्ड में, दो फ्रंट की सीट्स में और दो दिए गए हैं आपको बी पिलर्स के अंदर। उसके अलावा 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलती हैं आपको सभी लोगों के लिए, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल दे दिया जाता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। बाकी फ्रंट सीट बेल्ट प्री टेंशनर वगैरह भी इसमें दे दिया जाता है आपको, एज स्टैंडर्ड फीचर्स आपको बता रहा हूँ, क्रेटा के ई वेरियंट में भी मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की, क्योंकि फीचर्स वगैरह और इंटीरियर पे फिर बाद में चलते हैं। तो दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये जो गाड़ी आप अपने सामने देख रहे हैं इस गाड़ी का प्राइस है 12,44,900 एक्स शोरूम, क्योंकि ये क्रेटा ई वेरिएंट है डीजल के अंदर। और वहीं अगर आप इसी वेरिएंट को पेट्रोल में ऑप्ट करते हैं तो आपकी कॉस्ट रहने वाली है 10,99,900 की। मोटा मोटी 1,45,000 का डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल में। और ये वाले वेरिएंट में आपको एनीवेज ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अपने थॉट्स की बात कर लेते हैं तो सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रेयर हो, बट एक शिकायत थोड़ी सी है
यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ की जगह ORVM पे होना चाहिए था, कंसिडरिंग द सेगमेंट ऑफ द कार। उसके अलावा ये जो सिल्वर या ग्रे हाईलाइट है ये आपको बरकरार देखने को मिलती है, और उसके अलावा आपका बी पिलर भी फुल ब्लैक में फिनिश कर दिया गया है। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ देते हैं आपको बाकी डिटेल्स इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश है और एक स्पॉइलर टाइप की फिनिश भी आपको मिल जाती है। अब दोस्तों इस गाड़ी की एक्सटीरियर की डिटेल्स तो आपको दे दी, कुछ और डिटेल्स रह गई हैं। आप देखेंगे लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर दी हैं, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आपको जाना कहाँ है। तो इस टाइम मैं हूँ JRD निंबस हुंडई नोएडा में, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप इन्हें विजिट करके यहाँ पे क्रेटा की बेस्ट डील्स ले सकते हैं दिल्ली NCR के अंदर। अब लाइटिंग आपको दिखा रहा था, प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर दिया गया है, बट दोनों हैलोजन्स के अंदर है। इंडिकेटर्स आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और हेडलाइट्स ऑन करने में भी टेल लैंप्स में कोई मेजर डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं दिखेगा, और रेयर का हुंडई का लोगो इंटीग्रेट किया गया इस ग्लास पार्ट के अंदर। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ दिखाते हैं इस क्रेटा ई डीजल के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले आप डोर पैनल देखेंगे तो आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक में ही फिनिश मिलेगा, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस वेरिएंट है उतना प्रीमियम यहाँ पे नहीं रखा जाता है मटेरियल। बट हुंडई की फिट एंड फिनिश हमेशा आपको बेहतर ही देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स। तो यहाँ पे क्वालिटी लो नहीं लगेगी बट प्रीमियम फील भी नहीं आएगी। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें तो आपके ब्लैक कलर में डोर हैंडल्स हैं, टिपिकल आपको डंडी से मिरर एडजस्ट करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं। 4 पावर विंडोज़ लॉक एंड लॉक विंडो लॉक दे दिया गया, यहाँ पे कॉइन होल्डर दे दिया गया, कोई सॉफ्ट टच पार्ट नहीं है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है बट बॉटल होल्डर यहाँ पे दे दिया गया। उसके अलावा फुल डोर पैनल आप देख सकते हैं। नीचे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे एक कवरिंग कर दी गई है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं गाड़ी में, तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव है। बाकी सीट्स में हाइट एडजस्टमेंट दे दी गई है बेस वेरिएंट से, ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। टिपिकल आपकी क्रेटा की लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का बटन फ्लिप की दी गई है दोनों ही, आप देख सकते हैं, बट चाबी आपको लगानी ही पड़ेगी क्योंकि आप बेस वेरिएंट देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो हेडलैम्प लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से आप अपने हुड का एक्सेस ले सकते हैं। 3 पेडल और फुटरेस्ट दे दिया गया है। उसके अलावा सीट फैब्रिक्स की बात करें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और वही सेम फिनिश है ग्रे और आइवरी कलर में। अब अंदर बैठ जाता हूँ और अंदर से देता हूँ आपको बाकी डिटेल्स। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको थोड़ा ऑडियो भी समझ आ जाएगा NVH लेवल्स कितने हैं गाड़ी के। तो दोस्तों डीजल गाड़ी स्टार्ट करिए, नोट करिएगा कोई खास नॉइज नहीं है, और ये कोल्ड स्टार्ट है तो इस वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ यहाँ पे आ रही है। चलिए राइट साइड में, तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक आइडल लगा सकते हैं, और नीचे आ जाते हैं तो सिल्वर सराउंड दी गई है AC वेंट्स में, और पूरे डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो AC वेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्लीक हो चुके हैं इस गाड़ी के। उसके अलावा स्टेयरिंग व्हील अब आपको ग्रे कलर में मिलेगा, सिल्वर एक्सेंट्स है, पुराना वाला ही डी कट स्टेयरिंग व्हील है, बट इसके अंदर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट मिल जाती है। राइट साइड में आपको कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि दिए गए हैं आपके स्पीडोमीटर के। स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके से ऑन होता है, और डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है आपको बेस वेरिएंट के अंदर। चलिए दोस्तों अब आपको देते हैं इस क्रेटा के बेस वेरिएंट के MID की कुछ डिटेल्स। कुछ इस तरह का डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है, और लो फ्यूल की वार्निंग आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे फ्यूल मीटर दिया गया है, और राइट साइड में आपको मिल रहा है टेम्परेचर मीटर, RPM मीटर, डिजिटल स्पीड। उसके अलावा RPMs आपके इससे भी चेंज हो जाते हैं। और फीचर्स की तरफ चलें तो ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर सेटिंग्स, क्लस्टर में आप क्लस्टर थीम में क्लस्टर के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं जो कि बेस वेरिएंट में अच्छी बात है। और फीचर्स अगर आप देखना चाहें तो आप कुछ फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस या अपनी लाइकिंग के हिसाब से। डोर में कुछ फीचर्स में आप ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और सर्विस इंटरवल आप सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, टायर प्रेशर यूनिट, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं गाड़ी की, और
चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जब आप ड्राइव करेंगे तभी आप देख पाएंगे, और यूरिया लेवल भी आपको गाड़ी में दिख रहा है। टेम्परेचर और ओडो की रीडिंग, ये भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा करेंट ट्रिप, सेंस रिफ्यूलिंग, लास्ट रीसेट और ऑटो स्टॉप, ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन भरपूर है इसके अंदर, बट यहाँ भी अगर कुछ दे दिया जाता, चाहे वो एक बेसिक म्यूजिक सिस्टम ही क्यों ना होता, तो एक कंप्लीट कार ये बन सकती थी। EX वेरिएंट के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, उसकी भी वीडियो आपके लिए जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चाहें तो आप वेट कर सकते हैं उस वीडियो का, या फिर अपने नियरेस्ट डीलर पर जाके EX वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बेसिक फीचर्स के साथ Hyundai की क्रेटा को लेना चाहते हैं। राइट साइड में मिलेगा हेडलैम्प कंट्रोल, लेफ्ट साइड में मिलेगा वाइपर कंट्रोल। सेंटर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ग्रिल दी गई है, कोई स्पीकर सेटअप या कोई वूफर सेटअप यहाँ पे नहीं है, म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो म्यूजिक सिस्टम आप लगवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे फोन वगैरह स्लॉट इन कर सकते हैं। जगह बनाई गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिनिश देखने को मिल रही है जो कि ब्रॉन्ज कलर में, नीचे अगेन सिल्वर फिनिश है। AC वेंट्स के सराउंड में स्लीक AC वेंट्स हैं। पियानो फिनिश में आपको हजार्ड लैंप बटन मिलता है, मैनुअल AC मिलेगा, नीचे आपको USB-C 12 वोल्ट ये दो सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन स्लॉट इन कर सकते हैं इजीली, बट कोई वायरलेस चार्जर वगैरह यहाँ नहीं मिलेगा। 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स है, सिल्वर सराउंड यहाँ पे दे दिया गया। सेंटर में आपको ब्लैक हैंडब्रेक लिवर मिलेगा और ट्विन कप होल्डर्स। आर्मरेस्ट स्किप नहीं किया गया है यहाँ पे, और आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी है। उसके अलावा पैसेंजर साइड अगर आपको दिखाऊं तो अगेन सिल्वर फिनिश, पूरी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक में है। यहाँ पे अगेन आप फोन स्लॉट इन कर सकते हैं, बट उतना एक्यूरेटली यहाँ पे फिट नहीं आता। ग्लव बॉक्स दे दिया गया है ठीक ठाक स्टोरेज के साथ, बट यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता। और पूरा लुक एंड फील की अगर बात करें तो इंटीरियर काफ़ी सही लगता है इस गाड़ी के, इस वेरियंट का भी। ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लास दे दिया गया है जो कि कवर के साथ नहीं आ रहा है, बट काफ़ी बड़े साइज़ का है। यहाँ आपको कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं दी गई हैं, कोई सनरूफ नहीं आती है किसी भी गाड़ी के बेस वेरिएंट में, तो सनरूफ कंट्रोल्स भी नहीं मिलेंगे। मैनुअल आपको IRVM दिया गया और यहाँ पे दिया गया एक टिकट होल्डर। ओवरऑल बात करते हैं तो आपको कैसा लग रहा है ये क्रेटा बेस मॉडल का इंटीरियर, लिखिए कॉमेंट सेक्शन में। और रिवर्स पार्किंग सेंसर चेक कर लेते हैं। तो रिवर्स गियर आपको इसका पीछे लिवर उठा के लगाना पड़ता, और आप देखेंगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। उसके अलावा चलते हैं अब बैक सीट की तरफ और वहां भी दिखाते हैं आपको बाकी चीजें। तो दोस्तों रेयर डोर ओपन कर दिया, और यहाँ पे भी आपको सेम फिनिशेस, सभी चीज़ें सेम मिलेंगी। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक में है, पावर विंडो, कॉइन होल्डर, सारी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक में, बॉटल होल्डर है, और स्पीकर के लिए जगह दी गई है क्योंकि म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो स्पीकर भी नहीं है यहाँ पे। पीछे आप देखेंगे तो दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं, रेयर में AC वेंट्स दिए गए हैं बेस वेरियंट में जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और दो टाइप सी सॉकेट्स दे दिए गए हैं। रेयर से आपका इंटीरियर कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेफ्ट साइड आपको सीट बैक पॉकेट मिलेगी बट ड्राइवर साइड नहीं मिलेगी। ऊपर केबिन लैम्प दिया गया जो कि हैलोजन के अंदर है, और ग्रैब हैंडल्स आपको दे दिए गए हैं तीनों ही जगह। चलिए अब चलते हैं बूट की तरफ, वहां भी आपको दिखा देते हैं कुछ और डिटेल्स। थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, बट रेयर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो बूट आप देखेंगे कोई पार्सल ट्रे नहीं आ रही है, बट राइट साइड में हुक देखने को मिल रहा है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेयर व्हील दे दिया गया है जो कि स्टील व्हील है, और सेम साइज में है एज कम्पेयर टू बेस वेरिएंट। बाकी टूल किट वगैरह आपकी यहीं पे लगाई गई है। रेयर सीट आपकी 60-40 स्प्लिट में आ रही है, और एक आर्मरेस्ट की कमी यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। तो दोस्तों देखा आपने Hyundai क्रेटा का बेस वेरियंट का डिटेल्ड वीडियो। आई होप सभी चीज़ें और सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी होंगी। इन केस कोई चीज़ रह गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी JRD Nimbus
Hyundai विजिट करके भी आप इस गाड़ी की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।